नैब ने यंग ग्रुप के हेड चीफ एडिटर उसके सरबरा मीर शकील रहमान को करप्शन केसेस में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मीर शकील रहमान को सफाई पेश करने का पूरा पूरा मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने इससे फ़ायदा हासिल ना कर सके, वो पूरे तरीके से जवाब बात ना दे सके और उनके ऊपर करप्शन के तो मुद्दतों से इल्ज़ाम हैं। जिस तरीके से वो टैक्स बचाते रहे, लेकिन ये जायदादें उन्होंने जिस तरीके से पंजाब हुकूमत से लीं या नवाज शरीफ से लीं, वो भी केसेज इनके ऊपर हैं। अब उनकी गिरफ्तारी हुई है तो जियो और जंग के एंकर्स, उनके रिपोर्टर्स वो बिफर गए हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़ रहे हैं, नैब को बुरा भला कह रहे हैं, बजाय इसके कि आप मनी ट्रेल दे दें, आप अपनी सफाई दे दें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पेश कर दें। एक अजीब सा बहरान पैदा कर दिया, हैजान पैदा कर दिया, हज़यान बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी आज़ादी सहाफ़त पर यह हमला है। ऐसा ही एक आज़ादी सहाफ़त पर हमला उस वक्त भी हमें देखने को मिला था जब मियाँ अमर के स्कूल के बच्चियों का कहीं पे शो था, कहीं पे वो तकसीम इनामत हो रहे थे, डिग्रियां तकसीम की जा रही थी, संदें तकसीम की जा रही थी। इस मौके पर भगदड़ मची तो 7 बच्चियां फौत हो गई। इस वक्त भी यही वाबेला किया गया, बजाय इसके कि मियाँ अमर पर कोई मुकदमा दर्ज किया जाता, उनके चैनल ने, उनके अखबार ने यह वाबेला, यह शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया कि यह आज़ादी सहाफत पर हमला। इसी तरीके से मीर शकील रहमान गिरफ़्तार हुए हैं तो उनके चैनल पर भी यही वावेला किया जा रहा है, यही शोर शराबा किया जा रहा है, चोर मचाए शोर की तरह कहा जा रहा है कि यह तो आज़ादी सहाफत पर हमला है। बजाय इसके कि आपको सबूत दें, शाहज़ेब खान ज़्यादा और उसके साथ मीर शकील रहमान के दूसरे चमचे भी बैठे हुए हैं टीवी पर, वो कह रहे हैं जी नैब वाले साहब ने, नैब के चेयरमैन बताएं उनके जो वीडियो आई थी उसका क्या बना, इमरान खान बताएं उनके जो केसेस थे उनका क्या बना, फलां के केसेस थे वो उनका क्या बना। भी आप अपना जवाब दें, अपनी सफाई पेश करें, अपने डॉक्यूमेंट्स दें, बजाय इसके कि आप कोई इंसानों की तरह बात करने के आप उल्टा इल्ज़ाम दे रहे हैं अदारों को, वज़ीर आज़म को या दूसरे लोगों को। तो यही हमारे यहाँ रवैया रहा है कि जिसकी पुछल के ऊपर पाँव रखा जाता है वो भी चीखना चंघाड़ना शुरू कर देता है, उल्टे सीधे जवाब सवाल पूछे जाते हैं, वो जवाब नहीं दिया जाता जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया होता है।